हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल जी। दोस्तों, मैं दीपक रोहिला वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मनी मंत्रा विद दीपक रोहिला में। हम कुछ ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करते हैं जो हमारे पोर्टफोलियो में एक मनी मंत्रा के ग्रीनरी ला सकते हैं, कुछ स्टॉक्स जो अपने पोर्टफोलियो में एज ला सकते हैं। आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ एक मैं हमेशा बोलता हूँ, यू आर आवर ब्रांड एम्बेसडर, अपने चैनल के ब्रांड एम्बेसडर आप सब लोग, और एक फैमिली के समान हो। तो आप सबके साथ एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगेगी और आप बेस्ट मैसेज भी शेयर करेंगे। तो आज हमारे घर में एक नन्ही परी आई है। एक्चुअली कल हमारे घर में नन्ही परी आई थी, तो कल इसलिए वीडियो नहीं बन पाया कि कल हम का पूरा दिन बिजी थे वहीं पे, आज का दिन भी वहीं बिजी थे हॉस्पिटल में। तो आज घर पे आए, तो घर पे आ जाइए वो नन्ही परी लक्ष्मी के रूप में। तो आप सबकी ब्लेसिंग्स जरूरी हैं दोस्तों, तो प्लीज़ ब्लेस अस, नन्ही गुड़िया को आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। और हम आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसे स्टॉक डिस्कस करेंगे जो हमारे पोर्टफोलियो को और हमारी फैमिली को, जैसे आज फैमिली में नया मेंबर ऐड हुआ है, तो हम सब की फैमिली में भी ऐसे ही खुशियां, नए मेंबर ऐड होते रहें और स्टॉक्स जो पोर्टफोलियो है उसमें भी अच्छे स्टॉक्स ऐड होते रहे। तो स्टॉक्स की बात करते हैं दोस्तों, चलते हैं सीधा स्टॉक्स पे, चार्ट्स पे। आज का पहला स्टॉक दोस्तों दीपक फर्टिलाइज़र। दीपक फर्टिलाइज़र हमने ना कुछ समय पहले भी डिस्कस किया था, अभी कुछ लेवल्स हैं जो पहले शॉर्ट टर्म व्यू से डिस्कस करेंगे। दीपक फर्टिलाइजर स्टॉक का नाम है, यहाँ पे एक बार के लिए मैं आपको शो भी कर देता हूँ वाटरमार्क के उसमें, दीपक फर्टिलाइजर। ओके गाइस, अभी चलते हैं, इसको हटा देता हूँ क्योंकि चार्ट अच्छा दिखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, चार्ट अच्छा दिखना चाहिए। इस रेंज से ब्रेकआउट है दोस्तों, ये कुछ महीने की रेंज है, जुलाई के बाद ये अब इस रेंज से बाहर निकला है। डेली कैंडल पे अच्छे वॉल्यूम पे 632 पे भी ट्रेड कर रहा है। अगली रेंज है ये वाली 655 660 की रेंज है, उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट रेंज है ये 700 की रेंज। तो यहाँ तक के लिए आप शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड के लिए जा सकते हो, कर सकते हो प्लानिंग अपनी। हो सकता है कि आपके पास ये स्टॉक पहले से ही आपके पोर्टफोलियो में हो। बहुत अच्छा स्टॉक है सर, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे एक बार वीकली चार्ट पे भी, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, इसके यहाँ पे आना चाहिए। ओके, अब देखो वीकली में यहाँ पे देखो ये सपोर्ट रेंज है, सपोर्ट रेंज पे बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, उठा नीचे गिरा, सपोर्ट लिया यहीं पे, वापस उठा फिर से गिरा यहाँ पे, सपोर्ट लिया। अब इस टाइम पे यहाँ पे अच्छी एक्युमुलेशन बनी, देखो एक्युमुलेट हुआ इसी लेवल पे, तो अच्छे 3 वीक निकाल दिए। अब इस वीक में 3 दिन जा चुके, 2 दिन बचे हुए हैं, इफ आई एम नॉट राइट। ये रेंज का ब्रेकआउट हो गया, अगला क्या है 655 730, और उसके बाद देखो 9 EMA के ऊपर बहुत अच्छा लग रहा स्टॉक ये। उसके बाद देखो स्काई इज़ द लिमिट, 816 भी हमको चाहिए और 1000 भी हमको चाहिए। तो चाहिए जिसको मिलेगा कैसे, पेशेंस के साथ स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे तो मिलेगा हमको। अभी एट प्रेजेंट ना ये जो लाइन थी 609 वाली लाइन, ये ही हमारा स्टॉप लॉस है दोस्तों। तो इस स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं, अपने प्लानिंग कर सकते हैं, अपने पॉजिशन में ऐड कर सकते हैं। स्टॉक बहुत अच्छा है और आने वाले टाइम में अच्छे पैसे अपने को बना के दे सकता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, पेपर इंडस्ट्री में। देखो पिछले कुछ दिनों से क्या न्यूज़ आ रही है, इंडिया को भारत करने की बात चल रही है। तो देखो ये होगा नहीं होगा, बट हुआ क्या है, एक छोटी सी सरसराहट सी हो गई है पेपर इंडस्ट्री में, क्योंकि ये जो चीज़ चेंज होगी ना, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट चेंज होने वाले हैं। हाँ ठीक है, ये पता नहीं संभव हो पाएगा नहीं कि 10 रुपये से लेके 1000-2000 रुपये के नोट सबके ऊपर इंडिया लिखा हुआ है, तो उसको कैसे चेंज करेंगे, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन आने वाला है मार्केट के अंदर। तो पेपर इंडस्ट्री के स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे कुछ शॉर्ट टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए चाहें तो कुछ अच्छे स्टॉक ढूंढ के आप अपने ढूंढ के कमेंट में डाल सकते हैं, जिनके कमेंट अच्छे लगेंगे कल पेपर स्टॉक्स डिस्कस कर लेंगे, या चाहेंगे तो यूट्यूब लाइव डिस्कस कर सकते हैं हम कल पेपर स्टॉक्स के। अभी बात करते हैं तमिलनाडु पेपर की। तमिलनाडु पेपर वीकली कैंडल में हमने यहाँ पे ही डिस्कस किया था, ये हमारा टारगेट था, ये आ चुका है। अभी क्या है, इस रेंज से बाहर निकल रहा है। अब जैसे इसको पीछे बैक साइड में देखा तो ये एक इंपॉर्टेंट रेंज थी, यहाँ से बाहर निकला। अब बाहर निकल रहा, तो देखो अब डेली कैंडल में वीकली कैंडल में थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, क्या इसको मंथली करके देखे। अब देखो मंथली में कितना अच्छा लग रहा है, मंथली में देखो
देखो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता जाएगा ना, उतना नॉइज़ कम होता चला जाएगा, उतनी पिक्चर क्लियर होती चली जाएगी। अब यहाँ पे इस लाइन को मैं हटा रहा हूँ क्योंकि हम इसका मोटिव सफल हो चुके हैं। अब क्या हमको ये कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पे? कुछ दिख रहा है जी आपको? अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, यहाँ पे ये और ये। तो क्या ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न का भी ब्रेकआउट लग रहा है आपको? अगर आपका आंसर यस है तो हम इस रेंज के लिए जा सकते हैं। ये हमारा अगला फ्यूचर का टारगेट होता हो सकता है 480 का लेवल। तो 480 के लेवल पे हम लाइन मार्क कर देते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। मंथली, देखो मंथली का चार्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो मंथली चार्ट में 284 पे ट्रेड कर रहा है और हम स्टॉप लॉस रखेंगे 245 का। 245 के स्टॉप लॉस का 330, 380, 430 एंड 480 इन टारगेट के लिए आप TNPL तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट में निवेश कर सकते हो। ये आपके सामने वाटरमार्क भी मैंने लगा दिया है। तो ये स्टॉक आपको कैसा लगा, ये चार्ट पैटर्न कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अच्छे लग रहे हैं स्टॉक तो सर प्लीज़ शेयर करते रहिए। देखो स्टॉक हमारे आपको 50, ये स्टॉक भी आपको करीबन 70% की रिटर्न दे सकता है। तो अच्छे स्टॉक्स आपको केवल वीडियो देखने से ही मिल रहे हैं, तो प्लीज़ शेयर करना मत भूले दोस्तों आपके दोस्तों के साथ। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं दोस्तों, चॉइस इंटरनेशनल। चॉइस इंटरनेशनल में एक ये रेंज से बाहर निकला है, पोल फ्लैग का कुछ आपको फॉर्मेशन सी दिखेगी यहाँ पे। ये ट्रेंड लाइन के साथ साथ ऊपर भी चल रहा है। देखो ट्रेंड लाइन के साथ साथ ऊपर भी चल रहा है। पीछे देखो कितने वीक्स, कितने देखो कितने वीक ये यहाँ तक साइडवेज थी, बिल्कुल साइडवेज था स्टॉक। उसके बाद पिछले 2 वीक में अच्छी मूवमेंट आई, ये क्रूशियल लेवल था। यहाँ से भी ब्रेकआउट दिया है वीकली कैंडल पे, अच्छे वॉल्यूम के साथ। देखो वॉल्यूम भी अच्छा है के साथ बढ़ रहा है स्टॉक, और पोल फ्लैग का पैटर्न है, ब्रेकआउट है, तो हमको मिस नहीं करना चाहिए। स्टॉक अपने को 530 तक के टारगेट भी दे सकता है, बट हम शॉर्ट टर्म व्यू से इसमें 430 इसको कर लेते हैं। इसको पहले स्टॉप लॉस की तरफ चले जाते हैं। स्टॉप लॉस हमको इस लाइन का लो 360 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें इन्वेस्टेड रहेंगे, और 430 475 एंड 530। अब जहाँ पे 450 पे भी 500 पे, जहाँ पे आपका आपका ग्रीड, आपके पेशेंस आपको अलाउ करें कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए हमको, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक भी कर लेना चाहिए। और दूसरा, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर भी लेके जा सकते हो, इससे आपका प्रॉफिट पैसा और भी बढ़ सकता है। ये स्टॉक भी अपने को यहाँ से करीबन 30% की रिटर्न, अपने को 20-30% की रिटर्न शॉर्ट टू मिड टर्म में दे सकता है दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, KRBL लिमिटेड। अब सेम व्यू, देखो वीकली कैंडल है, वीकली कैंडल अच्छा टाइम फ्रेम है, वीकली कैंडल में भी इस रेंज का ब्रेकआउट है, और एक ये पोल फ्लैग फॉर्मेशन मुझे लग रही है। तो ये पोल फ्लैग फॉर्मेशन लग रही है, यहाँ से देखो 2-3 बार नीचे जाने की कोशिश की, बट पुल बैक भी हुआ है, वापस पुल बैक भी हुआ एक। तो स्टॉक एक लेवल है यहाँ पे, ये लेवल है 330 का लेवल मान के चलिए। ये देखो इसका टॉप है ना, जो इसका टॉप, इस कैंडल का टॉप और यहाँ का इस कैंडल का लो, तो ये एक सपोर्ट जोन बन गया यहाँ पे 333 का, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ के पास आए इन फ्यूचर कभी तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, बट अभी एट फिलहाल हम बात कर रहे हैं 435 पे स्टॉक चल रहा है और इस रेंज का ब्रेकआउट है, पोल फ्लैग का ब्रेकआउट है। इसका ही लो 402 है, तो यहीं पे हम अपना स्टॉप लॉस रखना चाहेंगे 400 के पास। और ये स्टॉक अपने को क्या दे सकता है ये अभी चेक कर लेते हैं। ये स्टॉक अपने को देखो, इस पोल की लेंथ हमने यहाँ पे पिक की है, तो पोल की लेंथ 660 तक लेके जा सकती है अपने को। तो हम 650 तक के टारगेट के लिए इसमें निवेशित रह सकते हैं। 435 पे ट्रेड कर रहा है, 480
550, 600 और 650, इन टारगेट के लिए हम KRBL में निवेश कर सकते हैं दोस्तों। ये अपने को क्या दे सकता है, करीबन 50% के रिटर्न ये स्टॉक भी आपको दे सकता है आने वाले समय में। आपको होल्ड करना पड़ेगा कुछ वीक्स के लिए, कुछ वीक्स में आप 3 to 6 मंथ के लिए आप होल्ड करें तो अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे अपने को मिल सकता है KRBL से। अच्छा, बहुत अच्छा ब्रेकआउट है यहाँ पे। नेक्स्ट होगा दोस्तों जैन इरीगेशन। जैन इरीगेशन में भी हम सेम चीज़ डिस्कस करना चाह रहे हैं, पोल फ्लैग का ब्रेकआउट। आप देख सकते हो कि डेली कैंडल के अंदर ये इस रेंज का बाहर निकला है, वॉल्यूम अच्छा है और ये सपोर्ट लाइन है 61 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें निवेश कर सकते हो। 68 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, 80-90 इन टारगेट के साथ, 80 भी और 90 भी इन टारगेट्स के साथ इसमें निवेशित रह सकते हो। हाँ, जहाँ पे आपको मन करेगी, आपको लगे कि 75 पे निकलना है, 85 पे निकलना है, तो आप यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो टाइम टू टाइम, या अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर लेके जा सकते हो। ये स्टॉक था दोस्तों जैन इरीगेशन। तो आज के वीडियो में यही सब स्टॉक थे सर। उम्मीद करता हूँ जो स्टॉक आइडियाज़ हमने डिस्कस किए हैं आपको बेहतरीन लगे होंगे और आप इनको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहेंगे। तो इसी कामना के साथ कि हमारे पोर्टफोलियो में ग्रीनरी आती रहे और हम सब टाइम पे प्रॉफिट बुक करते रहें। तो देखो, इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखा दूँ। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, फ्री चैनल है, जहाँ पर आप सब लोग जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगा। देखो, ये हमारे प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स हैं, एक छोटा सा प्रीमियम ग्रुप भी है हमारा। इनके मतलब ये अलग अलग मेंबर्स के कुछ कुछ प्रॉफिट मैंने यहाँ पे शेयर किए, 21,000, 31,000, 3,900, अराउंड 4,000, 9,000, 33,000, 15,000, तो ये 68,000, 1,18,000 रुपीज़। तो देखो, पैसा बन रहा है लोगों का। और क्या आप पैसा बनाना चाह रहे हैं, क्या आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो देखो, ऑलमोस्ट हर वीडियो के कमेंट में मैं ड्रॉप करता हूँ प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने वाला लिंक। वहाँ से फीस सर नेगलिजिबल है, फीस केवल करीबन, ये इसका लिंक देखो यहाँ पे भी है, 6,599 मंथली चार्ज, 20 रुपीज़ पर डे कॉस्ट। तो यही नेगलिजिबल सी फीस हमारी। वो लोग जो दोस्त किसी को देखो, हमारे फेसबुक ये टेलीग्राम चैनल को नाम काफ़ी लोगों ने कॉपी कर लिया है और फेक चैनल करीबन 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 8,000 रुपये लोगों से मांग रहे हैं, लोगों से पैसे लेके तुरंत ब्लॉक कर देते हैं। उसके अगेंस्ट में ये एक्चुअल रियल चैनल अपना, और ये नेगलिजिबल सी फीस है इसकी। तो आप सब लोगों का स्वागत है, आप सब लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार बना रहे, इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, हैव ए वंडरफुल टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे। और एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों का आशीर्वाद नन्ही गुड़िया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका आशीर्वाद और प्यार बना रहे ऐसे ही। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सी यू गाइज़।